Good morning, all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lot of the theoretical as well as the practical concept related to the issue of share, forfeiture of the share, and reissue of forfeited share. And also, we discussed about the cases regarding the calculation of the amount of capital reserve. Amount transferred to the capital reserve after the reissue of the forfeited share. And you can see that there are two cases: when company issued all the forfeited share, and number second, when company reissued part of the forfeited share. So all these things are very important for your problem solving questions which are given in the exercise, as well as in today's video, let's discuss the few practical problems related to the forfeiture of the share issued at premium. यानी हम आज कुछ practical problems discuss करेंगे जिसमें हम share को forfeit कर रहे हैं और वो share किस पे issued है? Premium पे issued है. Premium पे issue है और premium का पैसा नहीं मिला. तो situation में हम क्या guarantee pass करेंगे? और दूसरा हम लोग ये भी discuss करेंगे कि company किस तरह से अपनी balance sheet बनाती है जब किसी क्वेश्चन में फॉरफीचर हो, रीइश्यू हो और कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो. सो एक तरह से आज हम लोग लगभग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट क्रिएटिंग डिले, चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. ओके, ऑफ शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, यानी ये क्वेश्चन इस पार्ट से रिलेटेड है कि अगर कोई शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है, इफ एनी शेयर आर इश्यूड एट प्रीमियम, और उस सिचुएशन में अगर कोई एरियर होता है तो कंपनी हैव एन ऑप्शन टू फॉरफीट सच शेयर. कंपनी उस शेयर को क्या कर सकती है? फॉरफीट कर सकती है. सो द क्वेश्चन नंबर 42 सेज दैट एक्स लिमिटेड issued a prospectus offering 2 lakh equity, 2 lakh share of rupees 10 each at 14 per share payable. यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि X Limited ने 2 lakh share issue किए. कितने share issue किए? 2 lakh share issue किए 10 रुपए के. और कितने पे issue किए हैं? Issue किए हैं 14 रुपीस पे. इसका मतलब 4 रुपए क्या होगा? Premium का होगा. आगे क्वेश्चन में कह रहा है एप्लीकेशन पे फोर है, अलॉटमेंट पे है आपका 6 रुपए अलॉटमेंट का है, तो 4 रुपए प्रीमियम का हो गया और 2 रुपए शेयर का हो गया. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल अलॉटमेंट पे कॉल्ड अप मनी है 6 रुपए, जिसमें से 4 रुपए प्रीमियम का है क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम है अलॉटमेंट, तो 4 रुपए प्रीमियम का हो गया, 2 रुपए शेयर का हो गया. फर्स्ट कॉल थ्री और फाइनल कॉल बैलेंस है. अब बैलेंस का मतलब क्या होता है? जितना बच गया. अब कितना बचा निकाल लो. 6, 3, 9, 9, 4, 13 और इशू प्राइस कितनी है? 14. तो कितना रुपए बच गया? 1 रुपए. फाइनल कॉल पे 1 रुपए. दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. हिज शेयर वेयर फॉरफीटेड एंड 400 ऑफ दी शेयर वेर इमीडिएटली रीशूड क्रेडिटेड 9 पेड अप फॉर 8.40 पर शेयर. फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड इट वॉज ड्यूली रिसीव. क्वेश्चन में कह रहा है हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा और फर्स्ट कॉल मांगा. फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद हमें पता चला कि एक आदमी था दिनेश, एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था दिनेश, जिसके पास 1000 शेयर था. उसने क्या क्या नहीं दिया? उसने एरियर कर दिया. क्या कर दिया? कॉल्स इन एरियर. किस पे किया है? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे. अलॉटमेंट पे कितना किया है? 6000. जाहिर सी बात है 6 रुपीज है, 6000. और फर्स्ट कॉल पे कितना किया है? 1000 into 3, 3000.
यहां तक बता दिया। फिर आगे कह रहा है फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद जब एरियर हुआ कंपनी को आ गया गुस्सा और कंपनी ने शेयर को कर दिया फॉरफीट। अच्छी बात है, कर दिया, उसकी मर्जी है, कर दिया यहाँ पे फॉरफीट। अब उसके बाद क्या करना है, यानी पहले हमें एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट करना है, फिर फर्स्ट कॉल करना है, फिर फर्स्ट कॉल पे एरियर करना है, एरियर के बाद फिर हमें क्या करना है, फॉरफीट करना है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 5 होगा फॉरफीचर। फॉरफीचर के बाद होगा रीइश्यू, और रीइश्यू के बाद फिर क्या होगा, फाइनल कॉल। क्वेश्चन के पूरे स्टेप्स को समझिए। जो फाइनल कॉल मांगा गया है वो एकदम लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड एंड इट वॉज ड्यूली रिसीव। फाइनल कॉल आफ्टरवर्ड्स मतलब इसके बाद मांगा गया, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पे एरियर दिखाएंगे, फिर करेंगे, फिर रीइश्यू करेंगे, कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पास करेंगे, फिर फाइनल कॉल मांगेंगे। ये सीक्वेंस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है, 2 lakh into 4, 4 rupees किस चीज का है, एप्लीकेशन का, 4 rupees किसका है, एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 8 lakh। फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, बट यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, और जब कभी किसी अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। कितने शेयर हो गए आपके, 2 lakh into 6, 12 लाख, जिसमें से 4 rupees प्रीमियम का है तो 4 into 2 lakh, 8 लाख, और बाकी बचा 4 lakh rupees कैसे आया, 2 into 2 lakh, 4 लाख। फिर जब हमने अलॉटमेंट रिसीव किया तो उसमें क्या था सर, एरियर था। एरियर अगर होता है तो वी हैव अ टू ऑप्शन, चाहे हम एरियर अकाउंट ओपन करें या एरियर अकाउंट ओपन ना करें। अगर एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अगर एरियर अकाउंट ओपन नहीं करें तो डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए हम लोग एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना लिखेंगे, मांगा 12 lakh rupees, जिसमें से अलॉटमेंट पे एरियर कितना हो गया, 6000। एरियर मतलब पैसा नहीं मिला, किसने नहीं दिया था, दिनेश ने, तो ये हो जाएगा 11,94,000। उसके बाद एंट्री नंबर 4 के बाद एंट्री नंबर क्या होगी, 5। एंट्री नंबर 5 क्या होगी, फर्स्ट कॉल डी होगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितनी होगी भाई, 2 lakh into 3, 6 lakh। और जैसे ही हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉल जैसे ही हम रिसीव करेंगे तो उसपे भी एरियर है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या एरियर अकाउंट ओपन करें या ना करें। तो एक क्वेश्चन में आप एक ही स्टेप फॉलो करेगा, या तो एरियर खोलिएगा या मत खोलिएगा। मैंने क्या किया है, एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना मांगा था, 6 lakh rupees, ठीक है, जिसमें से एरियर कितना है, 3000, 5,97,000 कॉल पेरियर किया, और तुरंत हमको क्या आ गया, गुस्सा। कंपनी ने फाइनल कॉल का वेट नहीं किया, उसने तुरंत शेयर को फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट करने की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री होती है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो। लेकिन यहां पर क्या है, सिचुएशन अलग। यहां पर क्या है कि क्वेश्चन में शेयर किस पे इशू है, प्रीमियम पे। तो जब भी कोई शेयर प्रीमियम पे इशू होता है तो फॉरफीचर की एंट्री पास करते समय हम देखते हैं कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला।
यू कैन सी दैट कि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। आप कहोगे हमको कैसे पता प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है? जो ₹4 प्रीमियम कंपनी मांग रही है वो कहां मांग रही है? एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट यस, फर्स्ट कॉल नहीं। तो जो शेयर होल्डर को हम फॉरफीट कर रहे हैं, यानी जिसके पास 1000 शेयर, उसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल नहीं देता तो चल जाता, मतलब प्रीमियम दे दिया, लेकिन उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, क्योंकि अलॉटमेंट कितने से? ₹6 से, जिसमें ₹4 प्रीमियम का है, ₹2 शेयर का है। इसका मतलब उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं देने के कारण ये साबित होता है कि उसने, ये प्रूफ होता है कि उसने प्रीमियम नहीं दिया होगा। सो इन दिस सिचुएशन वी कंक्लूड दैट कि जिस शेयर होल्डर को हम फॉरफीट कर रहे हैं उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। तो जब भी शेयर को फॉरफीट करते हैं और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलता है तो एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल्स इन एरियर। लेकिन यहाँ कॉल्स इन एरियर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं किया है, और जब किसी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं है तो वहां पर हम उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते हैं जिसपे जिसपे एरियर हुआ। कहाँ कहाँ एरियर हुआ? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। कितना शेयर फॉरफिट करना है? 1000। तो शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखते हैं? कितना मांगा। अब आप देखो कितना मांगा, ₹4 एप्लीकेशन का, ₹6 अलॉटमेंट का, ₹3 फर्स्ट कॉल का। यानी हमने फाइनल कॉल अभी तक उससे नहीं मांगा, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक मांगा। तो फर्स्ट कॉल में शेयर का पैसा कितना था? फर्स्ट कॉल तक शेयर का पैसा कितना था? 32549। शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखेंगे? 1000 × 9। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने क्या लिखेंगे? प्रीमियम का अमाउंट 1000 × प्रीमियम का पैसा कितना है? ₹4000। फॉर फ्यूचर के सामने क्या लिखते हैं? कि जितना मिला। अब आप मिला निकालोगे, अच्छा नहीं मिला निकाले हुए हो, कि उसने अलॉटमेंट पे 6000, फर्स्ट कॉल पे 3000, 6000 और 3000। 9000 उसने नहीं दिया है, कितने में से? 9 + 4 = 13000 में से 9000 नहीं दिया इसने, उसने कितना दे दिया होगा? 4000। फॉरफिट हो गया शेयर। फिर फॉरफीचर ऑफ द शेयर के बाद हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर हम लोग देयर आफ्टर हम शेयर को रीइश्यू करेंगे। अब रीइश्यू में तीन सिचुएशन होती है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो उठा के देखिए क्वेश्चन में कितने पे रीइश्यू किया गया है। हिज शेयर वेर फॉरफिटेड एंड 400 ऑफ दीज शेयर वेर इमीडिएटली रीइश्यूड क्रेडिटेड 9 पेड अप फॉर 8.40 शेयर। मतलब हमने फॉरफिट किया 1000 शेयर और रीइश्यू कितना कर रहे हैं? 400 शेयर। कितने प्राइस पे रीइश्यू कर रहे हैं? ₹9 का शेयर मान के 8.40 के शेयर इशू कर। 9 क्रेडिटेड का मतलब है कि जब हम शेयर इशू करेंगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, तो शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 400 × 9। एक शेयर कितने का है? 9। और अमाउंट कितना मिलेगा? 400 × कितने पे इशू करें? 8.4। यानी 3600 का शेयर रीइश्यू कर रहे हैं और पैसा कितना मिल रहा है? 3460। बाकी पैसा किससे एडजस्ट करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। ₹9 का शेयर 8.4 पे रीइश्यू हो रहा है, सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 140 आना चाहिए। एक मिनट मैं फिर से देख लेता हूँ। जी टू फोर्टी अमाउंट इंप्लाइज एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर।
अब हम लोग कैपिटल रिजर्व निकालेंगे. कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अब ये निकालते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व निकालते वक्त हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमने फॉरफिट कितना किया 1000, रीइशू कितना किया 400. तो क्या हमने सारा शेयर रीइशू कर दिया? नहीं सर. याद होगा मैंने एक बार और ऑनलाइन क्लासेस में ये आपको बताया था कि दो सिचुएशन होती है रीइशू की, या तो कंपनी जितना शेयर फॉरफिट करती है पूरा रीइशू कर देती है, या कुछ भी रीइशू नहीं करती है. दो कंडीशन. एक कंडीशन और होती है कि जितना शेयर उसने फॉरफिट किया उससे कम शेयर रीइशू करती है. जैसे फॉरफिट कितना किया 1000 शेयर, रीइशू कितना किया 400 शेयर. तो यहां पर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू रीइशू शेयर माइनस अमाउंट यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ रीइशू. यानी हम प्रोपोर्शनेट निकालते हैं. ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल फॉरफिचर अमाउंट, यानी फॉरफिचर अमाउंट कितनी थी टोटल 4000. फॉरफिचर के टाइम कितना पैसा प्रॉफिट हुआ था 4000. ये 4000 कितने शेयर पे है 1000, और कितना शेयर इशू हुआ है 400. उसमें से माइनस क्या करेंगे, अमाउंट यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ रीइशू. रीइशू के टाइम कितना यूटिलाइज कर दिया 240 आ गया. यानी कि 4000 जो प्रॉफिट हुआ है फॉर फ्यूचर पे वो कितने शेयर पे 1000. 400 पे कितना होगा निकल जाएगा, निकाल लेंगे और उसमें से 240 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आएगा 1360. सो ये अमाउंट आ जाएगा 1360 अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. सर क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी हमने क्या किया है, फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा, शेयर को फॉरफिट किया, उसमें से कुछ शेयर इशू किया और जितना कैपिटल रिजर्व में बनता था उतना ट्रांसफर किया. अब हमारा लास्ट टास्क बचा है वो है फाइनल कॉल मांगना. फाइनल कॉल कितने से है, 1 रुपए से, और उस पर कोई भी एरियर नहीं है. फाइनल कॉल मांग लेते हैं, ये स्पेस खाली है. नाइन एंट्री नंबर 10. जब एंट्री नंबर 10 करेंगे तो हम लोग फाइनल कॉल मांगेंगे, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब यहां सवाल उठता है कि कितने शेयर पे हम फाइनल कॉल मांगेंगे. बहुत ही ध्यान समझिएगा, हमने टोटल शेयर कितना इशू किया था 2 लाख, जिसमें से हमने 1000 शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया. तो 2 लाख में से हमने 1000 शेयर फॉरफिट किया. अब कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 1,99,000 शेयर. यानी एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ द शेयर कंपनी सिर्फ कितने शेयर इशू करेगी, कंपनी सिर्फ रीइशू करेगी ओनली यस, सिर्फ और सिर्फ 1,99,000 शेयर. यानी 1,99,000 शेयर पे वो 1 रुपए मांगेगी. और फिर उसके बाद क्या करेगी, वो मनी को रिसीव कर लेगी, क्योंकि इसके तो कोई एरियर है ही नहीं. एंट्री नंबर 11 होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल 1,99,000. सो ये जो पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 42, इट वॉज रिलेटेड टू द फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर इशूड एट प्रीमियम. इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली. पहला, शेयर इशू था प्रीमियम पे और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, उस सिचुएशन में आपने जर्नल एंट्री पास करना सीखा. फिर आपने दूसरी चीज सीखा कि कंपनी ने सारा शेयर इशू नहीं किया, कुछ पार्ट ऑफ द शेयर ही इशू किया, दूसरी चीज सीखा. तीसरा आपने देखा यहाँ पे नई चीज, वो यह था कि यहाँ कंपनी ने पूरी इंस्टॉलमेंट मांगने के बजाय कुछ इंस्टॉलमेंट मांगने के बाद ही शेयर को फॉरफिट कर लिया. जैसे यहाँ फर्स्ट कॉल मांगने के बाद ही कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया और उसके बाद फाइनल कॉल भी मांगा. तो आपने ये भी सीख लिया कि अगर मिड ऑफ द कॉल, मिड ऑफ द इंस्टॉलमेंट अगर कंपनी किसी शेयर को फॉरफिट करती है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगती है तो वहां पर वो उस फॉरफिटेड शेयर को इग्नोर कर देती, क्योंकि वो तो शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया.
अब जैसे मैं कहूं कि मैंने ये पेन किसी से वापस ले लिया, तो इस पेन से फिर फाइनल कॉल मैं मांगूंगा? नहीं, मेरा मांगने का कोई कैप मेरा अधिकार ही नहीं है, मेरे राइट से नहीं, क्योंकि मैंने इस शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया, और जिसको भी रीशू किया उससे पूरा पैसा लिया है। ऐसा नहीं कहा कि फाइनल कॉल तुम्हें भी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 42। टेक अ प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। To the question number 34. On 1st April 2019, Blue Heaven Limited was formed with an authorized capital of 20 lakh divided into 2 lakh equity share of rupees 10 each. The company issued prospectus invited application for 1,50,000 equity share. मतलब authorized है 2 lakh share. Issued हुआ 1,50,000 share. The company received application for 1,40,000 equity. अब subscribe कितना हो गया? 140. देखिए कितना अच्छा question है. Authorized था 2 lakh, जिसमें से issued कितना किया है? Issued हमने किया है 1,50,000. Subscribe कितना हुआ है? 1,40,000. During the first year, ₹7 per share were called, मतलब ₹7 मांगा गया कंपनी में। अरुण होल्डिंग 4000 शेयर, वरुण होल्डिंग 3000 शेयर, यानी अरुण के पास कितना था? 4000 शेयर और वरुण के पास था 3000 शेयर। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, दोनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मांगी। वेरी गुड। अब देखो, दो लोगों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अरुण और वरुण दोनों ने। अरुण ने 4000 शेयर पे नहीं दिया, वरुण ने 3000 शेयर पे नहीं दिया। वरुण शेयर वेर फॉरफीटेड। अब देखो भेदभाव हो गया यहां पे। अरुण वरुण दोनों ने एरियर किया, लेकिन कंपनी ने फॉरफीट किसके शेयर को किया? सिर्फ वरुण के शेयर को फॉरफीट किया। लेटर ऑन, मतलब अब वरुण का कितना शेयर था? 3000। कंपनी ने रीइशू कितना किया? सिर्फ 1800। देख रहे हो क्वेश्चन कितना घुमावदार है, क्वेश्चन में बहुत स्टेप्स हैं, इसलिए इसका नोट्स टू अकाउंट बहुत ही ध्यान से देखना क्वेश्चन में 34 का। और देखोगे जब मैं ट्रिक्स बताऊंगा इस क्वेश्चन को, तो आपको ज्यादा दिमाग, इतना जो इतना गुड़ा गणित इस क्वेश्चन में किया है, इतना आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। पहले नोट्स टू अकाउंट बना लो, पहला शेयर कैपिटल लिख लो, ठीक है। अब आते हैं इसमें, सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जितने से कंपनी ऑथराइज है, कितना शेयर से ऑथराइज है? 2 lakh शेयर, और एक शेयर कितने का है? ₹100 का ना? नहीं, ₹10 का। तो ये हो गया आपका 20 lakh। फिर कंपनी ने इशूड कितना किया? इशूड शेयर कैपिटल था आपका, टोटल कितना इशूड था? 1,50,000। तो इशूड में लिखेंगे 1,50,000 शेयर, एक शेयर ₹10 का, 1,50,000। फिर इशूड के बाद क्या लिखते हैं? सर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब यहीं से आपकी कहानी स्टार्ट होगी। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में कितना सब्सक्राइब हुआ है? ओनली 1,40,000। तो पहली लाइन में लिखने से हम लोग क्या करते हैं, जितना सब्सक्राइब हुआ यानी 1,40,000 माइनस फॉर फ्यूचर प्लस रीशू, तो 1,40,000 क्या हुआ है? सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने फॉरफीट कितना शेयर किया था? ध्यान से देखो, अरुण और वरुण दोनों ने एरियर किया था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ वरुण का शेयर फॉरफीट किया, कितना? 3000। रीशू कितना किया? सिर्फ 1800। देख रहे हो समझ में? 1,40,000 माइनस 3000 प्लस 18000, तो कितना हो गया? 138,800, यानी 138,800 शेयर्स। और इस पे हम लोग क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप अमाउंट। और क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बता दिया है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹7 पर शेयर वेर कॉल्ड, सिर्फ ₹7 ही कंपनी गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, कंपनी का सब्सक्राइब शेयर था 1,40,000, जिसमें से कंपनी ने 3,000 शेयर फॉरफिट कर लिया और रीशू किया 1,800। सो ये पॉइंट इसी तरह से आता है। और 7 रुपए कैसे आएगा कि कंपनी ने कितना कॉल्ड अप अमाउंट किया, ठीक है। सो दिस इज इन 1,38,800 एट द रेट ऑफ 7। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन देख लेता हूं। 0,0 यस 9,71,600 पहले स्टेप का आंसर आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, दूसरा स्टेप इसमें होता है, इसमें से माइनस होता है कॉल्स इन एरियर। सो कॉल्स इन एरियर कैसे फाइंड आउट होगा, कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट होगा आपका जितना शेयर पे एरियर है। अब आप पहले देख लो क्वेश्चन में, दो शेयर होल्डर्स हैं अरुण और वरुण। अरुण का 400 शेयर और वरुण का 300 शेयर। हम एरियर में सिर्फ कौन सा शेयर लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर किसका लेते हैं, दिस शेयर पे एरियर तो है लेकिन फॉर फ्यूचर नहीं हुआ। मतलब अरुण ने भी एरियर किया, वरुण ने भी एरियर किया, लेकिन कंपनी ने वरुण के शेयर को फॉरफिट कर लिया है, अरुण के शेयर को फॉरफिट नहीं किया है। तो अरुण का कितना शेयर है, अरुण का है 4,000 शेयर। सो 4,000 शेयर पे ही एरियर फाइंड आउट किया जाएगा, एरियर मतलब नहीं मिला। और अरुण और वरुण दोनों ने क्या नहीं दिया था, फाइनल कॉल नहीं दिया था, कितने रुपए, फर्स्ट कॉल कितने से नहीं दिया था, 2 रुपीज। इसका मतलब है एरियर हो जाएगा 4,000 × 2 = 8,000। फिर समझ लिए, एरियर में हम लोग क्या लिखते हैं, उन शेयर होल्डर्स का पैसा लिखते हैं जिन पे एरियर तो है लेकिन फॉर फ्यूचर नहीं। दो बंदों ने एरियर किया, अरुण और वरुण, जिसमें से अरुण को फॉरफिट नहीं किया गया, सिर्फ वरुण को फॉरफिट किया गया। सो वरुण को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एरियर निकालते हुए हम सिर्फ किसको याद रखेंगे, जिस शेयर पे एरियर है लेकिन फॉरफिट नहीं किया गया। एरियर किस पे है, ऐसी दो शर्तें कौन पूरी कर रहा है, वरुण, सॉरी अरुण, जिसके पास 4,000 शेयर। अरुण के पास 4,000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपए से, और उसके शेयर को फॉरफिट भी नहीं किया गया है 4,000 × 2 एरियर अमाउंट लिख दिया। फिर इसमें प्लस करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पैसा। इसमें मैंने क्या सिखाया था, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का पैसा कैसे निकलता है, ये पैसा निकलता है आपका वो शेयर होल्डर्स जिनका शेयर फॉरफिट तो किया गया है लेकिन रीइशू नहीं किया गया है। तो ऐसा कौन है, ये तो था अरुण, ऐसा है वरुण। वरुण से हमने 3,000 शेयर लिया था, मतलब फॉरफिट किया था, लेकिन उसका सिर्फ कितना शेयर रीइशू किया, सिर्फ 1,800 शेयर रीइशू किया, मतलब 1,200 शेयर इशू नहीं किया। तो वो 1,200 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफीचर अमाउंट मतलब कितना पैसा हमें पहले से मिल चुका, कितना पैसा पहले से मिल चुका है 1,200 रुपए पे, 3,000 टोटल फॉरफीट किया वरुण का, जिसमें से रीशू किया 1,800। इसका मतलब 1,200 शेयर अभी भी रीशू नहीं हुआ, मतलब फॉरफीचर अकाउंट में किसका पैसा लिखते हैं, दो शेयर विच आर नॉट रीशूड, which are forfeited but not reissued, forfeit 3,000, reissue 1,800। so 1200 share अभी तक हमने reissue नहीं किया, उसका forfeiture का पैसा, forfeiture मतलब कितना पैसा मिल चुका है। तो कॉमन सेंस लगाओ, कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया था, 7 रुपए, और अरुण और वरुण दोनों ने क्या दिया था, नहीं दिया था फर्स्ट कॉल, मतलब 7 रुपए हमने मांगा था जिसमें 2 रुपए नहीं मिला, तो कितना रुपए मिला होगा, 5 रुपए, ये आ गया 6,000। यानी कि 9,71,600 में माइनस करो 8,000 प्लस करो 6,000, तो यह आ जाएगा 9,69,600, और ये आपका आंसर यहां पर आ गया। ये सब आपको दिमाग में रख के अच्छे से
देखा आपने कितना कम वर्किंग नोट आपको करना पड़ा, सिर्फ माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करिए और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।